स्वागत करते हैं अपने ही YouTube चैनल DB परफेक्ट न्यूज में। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है ठंड का मौसम चल रहा है, इसी बीच मौसम बड़े बदलाव ला रहा है। तो दोस्तों मौसम को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मौसम विभाग ने बारिश की दी चेतावनी, जाने आपके जिले का तापमान। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में, आपके जिले का तापमान क्या रहेगा और किन इलाकों में बारिश होने की संभावना है। उससे पहले बता दें, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों प्रदेश में मौसम बदलने के साथ ही लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिलना शुरू हो गया है। बीते तीन दिनों से दिन और रात के तापमान में हो रही बढ़ोतरी ने लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत दी है। बीते 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। बुधवार को जहां दिन के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं रात के तापमान में करीब 2 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार रात प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात का तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश के करीब सभी जिलों में जहां रात के तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं करीब आधा दर्जन जिलों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीती रात 14.2 डिग्री के साथ बाड़मेर में सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। इस दौरान प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात का तापमान 8 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। जी हां दोस्तों, और आपको बता दें कि दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार कल से प्रदेश में एक कम दबाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन इस पश्चिमी विक्षोभ से पहले ही आज राजस्थान में कई हिस्सों में मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही 21 जनवरी से 23 जनवरी तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ दिन और रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जी दोस्तों, तो ये था छोटा सा वीडियो। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने यार दोस्तों में शेयर करना। और दोस्तों किस राशि हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।